हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशु मोनू व्लॉग में। तो गाइस देखिए, सुबह उठते साथ ही मेरा झाड़ू लगने का काम हो रहा है आज, क्योंकि इतने दिनों तक से तो बाद में झाड़ू लगता था, लेकिन आज सुबह सुबह ही मैं झाड़ू लगाने के लिए लग गई हूँ सारे तरफ की। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, तो उधर बाहर का मैं लगा ली और यहाँ पर ना श्रेयांश के पास में गई थी, वो कुछ बोल रहा था, तो उसके बाद फिर मैं आके लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और देखिए यहाँ पर बिस्तर मेरा कितना गंदा सा फैला हुआ है, सुबह का टाइम है ना तो फैला ही रहता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और बताइए आप सब कैसे हैं। और अभी मैं कर रही थी झाड़ू पोछा, जो कि हो गया है मेरा, और पोछा लगाते टाइम ही ये उठ गया था, तो सबसे पहले इसी को फिर ध्यान दी। और ये अपना नहा धोकर रेडी हो गया है, पॉटी वगैरह किया तो सीधा नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ, और उसके बाद अभी पानी दी हूँ तो वो पी रहा है। और अब जा रही हूँ मैं, नाश्ता कराऊंगी उसको। और मैं और मेरे हस्बैंड जी नाश्ता कर लिए हैं, वो चले गए हैं अपने शॉप में और मैं अपना काम में लगी हुई थी। और ये ना काफी रात में ना बहुत परेशान किया है, आज रात में इतना रो रहा था, पता नहीं क्यों इतना रो रहा था, मुझे भी खुद समझ में नहीं आया। पाई हूँ, झुलाई हूँ, खिलाई हूँ, हर चीज करी, फिर भी रोने का मतलब रो रहा था इतना ज्यादा ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था वो। तो आज हम लोग भी ना काफी लेट से उठे हैं, अब भाई अब 3-4 बजे सोएंगे तो थोड़ा लेट से तो उठेंगे ही, तो थोड़ा लेट से उठी हूँ, तो तुरंत फटाफट अपना काम में लग गई थी। तो आज रोटी बनाई हूँ मैं, तो रोटी और चाय खाए हैं हम लोग, और इसको भी जा रही हूँ खिलाऊंगी। तो चलिए फिर खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना जो भी काम है खाना बनाने वगैरह का, तो वो सब काम करूंगी। अभी वो भी हुआ नहीं है, अभी बस मेरा ये झाड़ू पोछा ही सबसे पहले हुआ है। तो ये देखिए नाश्ता उसके लिए लेकर आ गई हूँ, जा रही हूँ खिलाती हूँ उसको। लो आकर ठीक से बैठो, गिर जाओगे नहीं तो। चलो बैठो, अच्छे से बैठो। चलिए तो फिर इसको फटाफट से फिर नाश्ता करा देती हूँ मैं, फटाफट से तो होगा नहीं, काफी लेट तक हो जाता है, कम से कम आधा एक घंटा के आसपास लग जाता है धीरे 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 खिलाते हुए, बच्चे लोगों को तो वैसे ही लगता ही है। तो चलिए अब इसको खिला देती हूँ फिर मैं उसको ना। अब उधर एक एक बाइट खिला रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो बिस्तर मेरा फैला हुआ है ना उसको फिर मैं समेट देती हूँ, तो मेरा क्या है ना इधर का भी काम हो जाएगा और श्रेयू को नाश्ता भी करा दूँगी। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, उसको कराते रहती हूँ नाश्ता और इधर ना मेरा काम होते रहता है। मतलब मैं भी बैठने बैठने लग गई ना, किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बैठ के खिलाती हूँ, और किसी किसी दिन ऐसा होता है ना काम ज़्यादा रहता है मेरा, तो बैठ के अगर कराने लगी ना उसको नाश्ता तो मेरा काम होगा ही नहीं होगा, ऐसा है। तो इसी कारण से उसको बाइट एक एक बाइट खिलाते रहती हूँ, क्योंकि उन लोग तो धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं। तो देखिए खिलाई हूँ बट पूरा नहीं खाया है, बचा दिया है, अब इसको बाद में खिलाऊंगी और अब मैं खाना बनाऊंगी। तो देखिए खाना बनाने की तैयारी, और आ गई किचन में, और श्रेयु वहाँ पर टीवी देख रहा है वो, और यहाँ पर मैं दाल को रख रही हूँ, धो ली हूँ, और उसके बाद चावल को भी मैं धो के वहाँ पे रखी हुई हूँ, उसको मैं गैस में चढ़ा देती हूँ। तो मैं आज ना तीनों को एक साथ रख रही हूँ, दाल चावल सब्जी सबको। तो यहाँ पे कढ़ाई रखूँगी, उसमें मैं तेल डालकर इसको पहले तो मुझे तलना पड़ेगा, जिमी का आंदा है तो उसको तल लूँगी, उसके बाद फिर मैं मसाला वगैरह भून कर फिर बनाऊँगी सब्जी को। तो पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैं प्याज और मिर्ची जो है वो कट कर रही हूँ, उसको कट नहीं करी थी मैं, तो कट कर लेती हूँ उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा जो प्याज मिर्ची है वो कट हो गया है, और अब कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि तलना है मुझे जिमी गांधा को। तो डाल रही हूँ देखिए अब तलने के लिए, अब सब्जी बनाना स्टार्ट। मैं ना एक तलने के लिए डाल दी हूँ, उसके बाद वहाँ पर ना कप में मैं चाय पी थी थोड़ा सा, और आधा को बचा के रख दी थी, तो उसको भी मैं गर्म करने के लिए रखी हूँ, दाल को उतार दी हूँ। और अब उसमें क्या है, मैं टमाटर वाला आज बनाऊँगी सब्जी को, तो टमाटर मैं रख रही हूँ
जितना भी मुझे डालना है। और इधर मेरा एक तरफ का तल गया है तो उसको दूसरे तरफ पलट रही हूँ, तो वो भी अच्छे से तल जाएगा, तला जाएगा मतलब। और देखिए वहाँ पर चाय मैं रख ली हूँ, पीऊँगी अब। और चावल को भी अच्छे से चला देती हूँ, ना कि चिपक जाएगा नहीं तो फिर वो। तो देखिए यहाँ पर चाय मैं पी ली हूँ और फिर वहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही हूँ, और अभी भी वो तला रहा है मेरा जो जिमी कांदा है, क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, थोड़ा थोड़ा करके तल रही हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो फिर मैं इधर का जो भी काम है ना छोटा मोटा अपना, सबको निपटा रही हूँ अच्छे से। तो मैं ना पीसने के लिए लेकर जा रही हूँ जार में टमाटर को। आ गया है ये देखिए, और वहाँ का तेल को निकालना पड़ेगा। तो एक कटोरी में तेल को निकाल लेती हूँ, ज़्यादा है गरम रहेगा ना, कटोरी गरम एक ही बार नहीं जाएगा। इसको रख देती हूँ। अब इसमें मैं डालती हूँ जीरा, बस अब मसाला भूनने की देरी है। मसाला टमाटर वगैरह तो पीस ली हूँ, मसाला कल का है। मुझे पीस लीजिए ना मसाला कल का, तो वो रखा है उसको डालना ही है। चावल को भी देख लेती हूँ, नहीं मोड़ना है चावल। हो गया है, उसको बंद कर दी। अब डाल रही हूँ मसाला भूनने के लिए। और मसाला ना मैं अभी पीसी नहीं हूँ, क्योंकि था मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी को ही डाल दी हूँ। और फिर टमाटर बस को मैं पीसी हूँ। तो यहाँ पर ना वही धनिया और धनिया मिर्ची और अदरक का है पेस्ट, उसको भी डाल दी हूँ। और मसाला अच्छे से भुन गया तो मैं डाल दी टमाटर को। और थोड़ा सा ना जार में पानी डाल के उसको मैं सब्जी में डाल दूँगी। और टमाटर थोड़ा मेरे को लगा ज़्यादा हो गया है तो कटोरी में रख दी हूँ, उसको किसी भी सब्जी में फिर मैं बाद में डाल दूँगी। थोड़ा सा जो टमाटर रखी थी ना कटोरी में, उसको मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। और फिर इधर आकर सब्जी को अच्छे से चलाऊँगी और उसमें डालूँगी हल्दी, नमक, मिर्ची, मसाला और धनिया पाउडर, वो सबको डाल दूँगी। उसके बाद ना मतलब उसको छोड़ दूँगी, थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, फिर उसके बाद उसमें डालूँगी जिमी कांदा को। और अभी श्रेयु आ गया है, वो देख लिया टीवी, अब बोर हुआ है तो आ गया मेरे पास में। तो वहाँ पर देखिए इधर उधर सबको छू रहा है, तो पानी पीऊँगा बोला वो, तो उसको मैं पानी दी हूँ गिलास में। पर ना ये पानी खेलता है करके ना ज़्यादा नहीं देती हूँ, इसी कारण उसको ना थोड़ा सा ही पानी दी हूँ। और देख भी रही हूँ ना, देखिए पानी भी गिरा दिया वो, तो उसमें पैरदानी को डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा टमाटर अच्छे से पक गया है, बहुत ज़्यादा दिख रहा था लेकिन कम हो गया, मस्त पक गया है अच्छे से। तो फिर जिमी कांदा को डाल दी हूँ और उसको ढक दी हूँ, फिर उसमें मैं पानी डालूँगी थोड़ा देर में। और दाल वहाँ पर हो गया है तो उसको मैं ना छोटे से बर्तन में उसको खाली करके रख देती हूँ। फिर क्या है, बर्तन वगैरह को निकाल देती हूँ ना, मांजना धोना है तो। तो देखिए यहाँ पर रखती हूँ, ढक कर रख दी उसको। अब चम्मच चला रही हूँ सब्जी को, अब पानी डाल दी, वही टमाटर वाला पानी है, उसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। फिर मैं लग गई हूँ अपना बर्तन धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बर्तन जो भी है मेरा थोड़ा बहुत निकला है, उसको मैं अच्छे से मांज धो लेती हूँ। और ये वही डब्बा है जिसमें मसाला रखी थी, और भी मैं जैसे पीसूँगी तो फिर रख दूँगी उसमें। वो एयरटाइट कंटेनर में रखोगे ना मसाला वगैरह कुछ भी जैसे, तो वो सही रहता है, अच्छा रहता है। मेरा पूरा बर्तन धुल गया है, उसके बाद मैं टिफ़िन में पूरा पैक कर ली, उसके बाद पूरा किचन को क्लीन कर ली, गैस वगैरह को पोंछ दी। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो गए हैं हम लोग रेडी, अब जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं फिर शॉप। अब